That's out. Yes, it's all over this time. Lost his nerve in the end, and Michael Holland tried to score. तू 11 लोगों का कप्तान नहीं है, तू 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का कप्तान है, समझ ले इस चीज को। और आज बीच में जाके ये तूने तय करना है कि मैच जीतने के बाद 100 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वो खुशी खुशी प्यार से सोएंगे या मैच हारने के बाद रोते हुए। क्यों अभी तक नहीं रिलीज हो पाई रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म, जिसका सभी को है बेसब्री से इंतजार। किस मशहूर किस्से या कहें किस ऐतिहासिक पल पर बेस्ड है ये फिल्म, क्या खास है इस फिल्म से रिलेटेड और कब रिलीज होगी ये फिल्म, तो आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब को लेकर हाजिर हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और अपने YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां आपको मिलती है रोज नई और लेटेस्ट फिल्मों से जुड़ी नई अपडेट्स। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी आज की होस्ट अनुष्का त्यागी। आज हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह के साथ साथ बहुत ही बड़ी कास्ट से भरपूर फिल्म 83 के बारे में। कबीर खान द्वारा डायरेक्टेड 83 फिल्म काफी दिनों से चर्चे में है। दोस्तों, ये फिल्म एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा है जो 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप पर आधारित है। 1983 साल तो शायद कोई भी भारतीय क्रिकेट का फैन नहीं भूल पाएगा। इसी साल के बाद से भारत के इतिहास में क्रिकेट अमर हो चुका है और आज तो हर घर में क्रिकेट का अलग ही क्रेज है। 83 फिल्म के कास्ट की बात करें तो ये काफी ज्यादा लंबी है। इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा ताहिर राज भसीन और साकिब सलीम बेहतरीन एक्टर्स भी शामिल हैं, जहां रणवीर सिंह 1983 इंडियन टीम के कप्तान कपिल देव का रोल निभा रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी का रोल निभाती हुई नजर आ रही हैं दीपिका पादुकोण। इसके अलावा इस फिल्म में पंजाबी सुपरस्टार सिंगर हार्डी संधु और एमी विर्क भी एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म में और भी कई दिग्गज एक्टर्स शामिल हैं। जी हाँ, पंकज त्रिपाठी और बमन ईरानी जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म का हिस्सा होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आखिर जब ये फिल्म पहले ही बनकर तैयार हो चुकी है तो फिर भी इसे रिलीज क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, बात ये है कि फिल्म की शूटिंग तो काफी पहले हो चुकी थी और इसे 10 अप्रैल 2020 के दिन रिलीज किया जाना था, पर लॉकडाउन की वजह से इसके रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया। दोस्तों, अब ऐसा कहा जा रहा था कि इस फिल्म को किसी OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर दिया जाए, पर फिर मेकर्स ने ये क्लियर कर दिया कि इस फिल्म को थिएटर्स में ही रिलीज किया जाएगा। और जी हाँ, 83 के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 4 जून 2021 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। अब लॉकडाउन तो खुल रहा है, पर शायद ही 4 जून को ये फिल्म रिलीज हो पाए। हमारे हिसाब से इस फिल्म को थोड़ा और पोस्टपोन किया जा सकता है और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर ये फिल्म 4 जून के बजाय 4 जुलाई या 4 अगस्त को रिलीज हो जाए तो। और दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि इससे ज्यादा तो लेट मेकर्स भी नहीं करने वाले, तो बहुत ही जल्द ये फिल्म हमारे बीच होने वाली है। अब जैसे जैसे 83 की रिलीज डेट पास आ रही है, इससे रिलेटेड काफी ज्यादा अपडेट सामने आ रहे हैं। अगर आप भी इन फिल्म से रिलेटेड किसी भी अपडेट को मिस नहीं करना चाहते तो भाई वेट किस बात का है, अभी के अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक फिल्म से जुड़ी जानकारी को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हमारे आज के राइटर हैं अभिनव शारदा।